हेलो हेलो हैप्पी फेलोस, क्या हाल है आप लोगों के। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहरुख जहूर और आज हम बनाने जा रहे हैं एक आदत और पोस्ट, वो भी बेहतरीन सी। तो जी स्टार्ट करते हैं, फाइल पे आते हैं, न्यू पे करते हैं क्लिक और यहां से लेते हैं विद 1000 और हाइट भी लेते हैं 1000, रेजोल्यूशन 72 RGB कलर और बैकग्राउंड रखेंगे हम व्हाइट। यहां कर आपने क्रिएट। अब करना क्या है जनाब कि सिंपल आपने बैकग्राउंड को कर देना है यहां से ब्लैक, अल्ट्रा बैक स्पेस से कलर लेने के बाद फिर आप आएंगे फाइल में, यहां से लेंगे ओपन और यहां से उठाएंगे आप ये फोर नंबर ओपन करेंगे। जैसे कि आपको लग रहा है कि ये स्मोक टाइप की चीज आपके सामने आ गई, तो इसको उठा के आप इस जगह पे फेंक दीजिएगा। ठीक है जी, यहां रखे कंट्रोल टी कीजिएगा और कंट्रोल टी करने के बाद इसको आप करेंगे क्या, कंट्रोल डी से थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद जनाब एक लेयर खोलेंगे आप इसके ऊपर, यहां से लेंगे ब्रश। ब्रश की जो हार्डनेस है वो जीरो रखिएगा, साइज अपने हिसाब से बड़ा कर लीजिएगा। और उसके बाद जनाब आपने यहां से कलर लेना है फोरग्राउंड, मैंने लिया ये कलर। ठीक है जी, इसका यहाँ पे नंबर आ रहा है, नंबर नोट कर लीजिएगा। ओके करा आपने और उसके बाद यहाँ पे आपने फेरना स्टार्ट करा कुछ इस तरीके से। और यहाँ से ले लिया आपने ब्लेंड मोड पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे ब्लेंड मोड, यहाँ से लेंगे आप ब्लेंड मोड ले लेंगे यहाँ से आप कलर। ठीक है जी, उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ब्लू कलर उठाइएगा लाइट सा और कलर यहाँ पे इसका नंबर आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ओके करा आपने, एक लेयर और खोलेंगे और उसके बाद आप इसको यहाँ से यहाँ तक फेरेंगे। ठीक है जी, और इसको भी कर देंगे आप कलर, चाहें तो थोड़ा सा आप कलर इस पर और कर सकते हैं। ये जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हल्का सा कलर मार दीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद इसको बंद कर दीजिए यहाँ से, फिर फाइल पे आप आएंगे, यहां से लेंगे ओपन और यहां से तीन नंबर JPG उठाएंगे। ठीक है, उठाने के बाद कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, बल्कि काम करते हैं कुछ भी नहीं करते, यहां से आप इसको सेलेक्ट कर लें ऐसे एक साइड को, इसको करें कंट्रोल सी कॉपी, यहां रख के इसको करें पेस्ट। ठीक है जी, ये आ गई। इसके बाद इसको कर देंगे आप लाइटन या स्क्रीन, जो आपको बेटर लग रहा हो। आई थिंक मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको यहाँ रखा आपने और कंट्रोल, अच्छा अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा इसका शेड आ रहा है, तो आप कंट्रोल एल करें, कंट्रोल एल से खुलेगा लेवल और इस साइड को उठा के थोड़ा सा राइट साइड पे करेंगे तो ये शेड भी गायब हो जाएगा। उसके बाद आपने ओके करा, उसके बाद आपने गियरी लाइट लेनी है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ तक और कंट्रोल्स, क्योंकि ये ब्लू शेड आ रहा है और थोड़ा सा हल्का सा पिंक शेड आ रहा है। ठीक है, तो उसको हमने कंट्रोल सी कॉपी करा, यहाँ हमने करा पेस्ट और इसको भी हमने करा यहाँ से स्क्रीन, इसको रखा हमने उठा के यहाँ पे। ठीक है जी, ये भी स्क्रीन, ये भी स्क्रीन, कंट्रोल एल लेवल और इसको थोड़ा सा सीधा हाथ पे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एडजस्ट हो गया। ओके करा, इसको रखा आपने ऊपर की साइड, इसको भी थोड़ा रखा साइड में ऊपर। अच्छा, स्नैप हो रहा है, स्नैप यहाँ से हटा दीजिएगा, कभी कभार स्नैप मसले करता है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे। अच्छा जी, यहाँ से अब हम लेंगे टेक्स्ट और टी दबा के टेक्स्ट टूल आ गया, यहाँ क्लिक करा और यहाँ मैंने लिख दिया डांस DANCE और फॉन्ट लूंगा मैं यहां से इंट्रो, उसके बाद इसका कलर लूंगा मैं व्हाइट, उसके बाद ओके करूंगा, साइज यहां से बड़ा कर लूंगा, मैं इसका साइज कर देता हूं 150 और 150 करने के बाद मैं एरो लूंगा मूव टूल, यानी कि अब हम एक काम करते हैं कि इसको सेंटर में लाते हैं और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इस पे डबल क्लिक करते हैं, इसको देते हैं ड्रॉप शेडो
और ड्रॉप शेडो हम देते हैं, यही कलर पिक कर लेते हैं थोड़ा सा ये वाला, ठीक है जी। और इसको करते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। और इसका डिस्टेंस करते हैं कम ऐसे, और साइज इसका बढ़ा दें ताकि ब्लरनेस आए थोड़ी सी, ठीक है। ऑपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाएं, ओके ओके कर दिए जी। चलें जी, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसको देंगे मास्क और इसकी बनाएंगे कॉपी, ठीक है। यहां से लेंगे हम पॉलीगनल लेसो टूल, नीचे लेयर पर रहते हुए इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे हम ऐसे 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 और ऐसे, और इसमें देंगे हम ब्लैक अल्टर बैक स्पेस ब्लैक कलर, ताकि इस पर मास्क आ जाए तो सीन्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम इस लेयर पे आएंगे, क्योंकि सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई तो सिलेक्शन इनवर्स हो जाएगी। अब आप यहाँ पे करेंगे अल्टर बैक स्पेस अगेन तो सीन हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है जी। इस पर क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर करें इसको, थोड़ा सा नीचे करें और थोड़ा सा सीधा हाथ पे करें, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर और इसको भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। थोड़ा सीधा, ओके जी। दोनों सेलेक्ट हो करें शिफ्ट के साथ, इसको नीचे रखें। थोड़ा सा हम इसको और लेफ्ट साइड पे करते हैं, सॉरी इसको राइट साइड पे और इसको लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी। फिर हम आते हैं फाइल के अंदर, आते हैं हम ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ से हम डांसर, हमारे पास तीन चार बल्कि काफ़ी किस्म के डांसर हैं हमारे पास, तो हम ये वाला डांसर उठाते हैं, हम ओपन करते हैं। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, और इसके बाद हम इसको पेस्ट करेंगे टेक्स्ट के नीचे की साइड पे, और कंट्रोल वी, ठीक है। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा, इसको रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देंगे हम मास्क, यहां से लेंगे हम ग्रेडिएंट टूल, ब्लैक कलर सेलेक्ट होना चाहिए, और यहां से लेंगे ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट, और थोड़ा सा नीचे से ऊपर की साइड पे इसको फेरेंगे तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा उसको नीचे कर लेते हैं। उसके बाद इस लेयर को क्लिक, इस पे इस बंदे पे क्लिक करके कंट्रोल एल करेंगे, और थोड़ा सा इसको राइट साइड पे करके देखते हैं, ओके। थोड़ा सा डार्क कर देंगे इसको, बेहतरीन हो गया ये, अच्छा। अब इसको करेंगे कंट्रोल जे, इसकी डुप्लीकेट हो गई, ठीक है। नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसका फिल कलर कर देंगे हम वन, इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो जब हम डबल क्लिक करेंगे तो एक हमारा लेयर स्टाइल खुल जाएगा। हम इसको देंगे स्ट्रोक, और स्ट्रोक देंगे हम वाइट, और वो देंगे हम आउटसाइड, ठीक है। इसको करेंगे ओके, और इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये शेड आ रहा है, ठीक है। इसकी एक और डुप्लीकेट बना दीजिएगा स्ट्रोक वाले की, और इसको कर देंगे राइट साइड पे और थोड़ा सा ऊपर, तो ये इस किस्म का शेड आपके सामने आ रहा होगा स्ट्रोक्स बने हुए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप आएंगे फाइल में ओपन, और यहाँ से आप एक दो चीज़ें उठा लेते हैं, घी उठा लेते हैं, घी उठा लेते हैं, दो चीज़ें उठा लेते हैं और ओपन करते हैं। अच्छा, अब आप करेंगे कि इस रिंग को कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कॉपी करके आप इस डांसर के बैक साइड पर आके फिर आके कंट्रोल बी से पेस्ट करेंगे। अगर आपके पास नया वर्जन है तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट करके उसको छोटा कर लीजिएगा, और इसको रखेंगे आप यहाँ पे, और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है जी। इसको बंद कर देते हैं। अब इसको उठाते हैं कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी। अब इसके ऊपर आप पेस्ट करेंगे इसको, और इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन कंट्रोल टी करके इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा, और इसको रखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा, इसको रखें यहाँ पे, इसको कर दें मास्क, ठीक है। इसको यहाँ रखा। अब आप सिलेक्शन सर्कल सिलेक्शन लीजिएगा, यहाँ पे आके शिफ्ट ऑल्टर के साथ इसको इस तरह ड्रॉ कीजिएगा कि सेंटर से बड़ा हो। अगर इस तरह भी नहीं तो सिंपल शिफ्ट के साथ भी आप इसको बड़ा करके सेंटर में बस इस तरह रख सकते हैं कि सर्कल के सेंटर में आ जाए। अब आप करेंगे क्या, कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स सिलेक्शन और अल्टर बैक स्पेस, तो आउटर एरिया गायब हो जाएगा, सेंटर का एरिया रह जाएगा, और इसको आप कर देंगे स्क्रीन,
ठीक है जी, तो स्क्रीन रह गया, इसको थोड़ा सा रखेगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, फाइल पे आप आएंगे, ओपन, यहां से लेंगे आप ये, ये और ये, इसको करेंगे आप ओपन। सबसे पहले तो आप ये उठा लें, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, और उसको कंट्रोल डब्ल्यू से बंद भी कर दीजिएगा, और कंट्रोल वी से सबसे ऊपर आके इसको आप करेंगे पेस्ट, ठीक है जी। ये आ गया, इसको आप कर दें आई थिंक सो ये कलर डॉट ज्यादा अच्छा लगेगा, और कंट्रोल डी से थोड़ा छोटा भी कर दीजिएगा ताकि शो भी हो अच्छा। अब इसकी डुप्लीकेट करें कंट्रोल जे से ताकि विजिबल हो, ठीक है। बल्कि हम इसको बंद हटा देते हैं एक लेयर को, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस जगह पे, इसको उठाते हैं कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कंट्रोल सी कॉपी, इसको भी पेस्ट करते हैं, और इसको कंट्रोल टी से करते हैं छोटा यहाँ पे, और इसको भी करते हैं हम यहाँ पे, ज़्यादा विजिबल हो रहा है ये, लीनियर डॉश पे भी हो रहा है और लाइटन पे भी हो रहा है, तो हम लीनियर डॉश पे कर देते हैं। और लास्ट हमारा है ये वाला फायर, इसको कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से इसको करेंगे पेस्ट, और इसको कर देंगे हम स्क्रीन, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है जी। और इसकी करेंगे डुप्लीकेट, और इसको राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम लेंगे टेक्स्ट, और हम लिखेंगे इसको www.dance.com, फॉन्ट कर देंगे इसका छोटा, और यहां से हम ले लेंगे सेंचुरी गोथिक रेगुलर, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, 48 कर देते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, और इसको उठा के हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, अब एक थोड़ा सा फिलहाल इसको बंद करते हैं, अच्छा अब एक थोड़ा सा मिक्स में इफेक्ट देंगे। फाइल पे आएंगे ओपन, यहाँ पे ये नॉइस टाइप की चीज है, ओपन करें इसको ताकि इमेज हो जाए थोड़ा सा शार्प, कंट्रोल ए करा सेलेक्ट ऑल कंट्रोल सी कॉपी, और इसको करेंगे हम पेस्ट इसके ऊपर, ठीक है, इस तरह आएगा। आपने इसको सिंपल कर देना है स्क्रीन, ठीक है। तो आप देखेंगे साइडों पे इसकी शार्पनेस सी आ गई, ठीक है, देखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप नीचे रखना चाहें, जहां आप बोलें कि यार ये सेट हो, तो हम इसको यहां भी रख सकते हैं, नीचे उठा के रख दें, डांसर के नीचे उठा के रख दें, ठीक है जी। और इसको जी जिसको आप चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए जहाँ जहाँ से, तो क्लिक करके यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं आप, कि यहाँ से आप चाह रहे हैं यहाँ पे ना हो, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे ना हो, यहाँ पे ना हो, तो ये इस तरह हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद एक काम करें कि सबसे नीचे वाले डांसर पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, उसका इस वाले डांसर पे क्लिक करके इसका पैर यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है, जहाँ यहाँ से हो सकता है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद अच्छा जी, थोड़ा सा इसको और बेहतरीन बनाते हैं, फाइनलाइज बिल्कुल करते हैं। फाइल में आके ओपन कीजिएगा, और यहाँ पे 13 नंबर उठा लीजिएगा, ओपन कीजिएगा, और कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल कंट्रोल सी कॉपी, और सबसे ऊपर आके यहाँ पे करेंगे आप पेस्ट, तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इसको कंट्रोल टी से थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा और छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको फिल्टर में आके थोड़ा सा अगर ब्लर करना चाहें तो गॉशन ब्लर दे दीजिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मैं इसको देता हूँ 3, और ओके कर देता हूँ। अच्छा, कंट्रोल यू करके देखते हैं ह्यू इन सेचुरेशन, कि कैस पे कलर मज़े दे रहे हैं, हम थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहें, अगर ये कलर भी अच्छा लग रहा है, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक सो कि गोल्डन ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और लास्ट में फाइल ओपन, और ये एक मेरी सोशल की पीएचडी बनी हुई है, ठीक है, तो इसको कंट्रोल एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है, ताकि फॉन्ट चेंज कर दें इसका, हम इस पर डबल क्लिक करें,
और यहाँ पे हम लिख देते हैं डांस एंड सी डांस, सही है जी। इसको कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, और सिंपल हम यहाँ कर देंगे पेस्ट, और ये आ जाएगा। सॉरी हमने सही से कॉपी नहीं करा, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल और कंट्रोल शिफ्ट सी, क्योंकि दो लेयर्स पे हैं। अगर आप कंट्रोल सी करेंगे तो खाली ऊपर वाली लेयर कॉपी होगी, अगर आप चाहते हैं जितनी सारी लेयर्स हैं एक साथ कॉपी हो जाएं, तो कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे तो जितनी लेयर हैं वो सारी एक साथ कॉपी और पेस्ट हो जाती हैं। ठीक है जी, इसको उठा के आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ रखना है ऐसे, चाहे तो आप ऊपर रख के देखें इसको, चाहे यहाँ रख दें और थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है जी, या आप एक काम करें इसको ऊपर रख दें। एडजस्टमेंट बनाते हैं इसकी यहाँ पे, बल्कि ऊपर ही बनाते हैं इसको, यहाँ रखते हैं, ठीक है, और डांसर को उठा के थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। डांसर साहब हमारे थोड़े से नीचे आ गए, ठीक है जी, ओके जी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसको ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर कर दें लेयर को, बेहतरीन। जो जनाब, ये आपका इंस्टाग्राम का पोस्ट या फेसबुक की पोस्ट तैयार हो चुकी है। इसी इनकी इसकी तमाम फाइलें मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप डाउनलोड कर सकें और अपनी मर्जी से चाहे तो कोई भी पोस्टर या कोई भी इस किस्म का इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं और बहुत जल्द एक दो दिन में मैं नए 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 कुछ नए से नए स्टाइल के पोस्टर डिजाइन अपलोड करूंगा और वीडियो अपलोड करूंगा, तो काइंडली आप उसको विजिट कीजिएगा। और हाँ, एक चीज फिर मैं बताते चलूँ, ये मेरा एक नया चैनल बिल्कुल बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा, उसका भी लिंक मैं बहुत जल्दी दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो जब तक के लिए बाय, पर जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय नाउ।